प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम ईश्वर प्रेम आकाश प्रेम नदियां पर्वत सागर प्रेम नदियां पर्वत सागर प्रेम मेरा प्रेम नानक प्रेम मेरा प्रेम नानक प्रेम ईसा प्रेम मोहम्मद प्रेम ईसा प्रेम मोहम्मद प्रेम ओम प्रेम राम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम।
कैसी इच्छा उत्पन्न होती है और वो अपनी परमात्मा से क्या प्रार्थना करता है, उससे क्या वर मांगता है। हम सभी अपने अंदर देखेंगे, मनन करेंगे कि क्या हमारे अंदर भी ऐसी कामना पैदा होती है, क्या हम भी परमात्मा से ऐसा मांगते हैं। तेरी रहमतों में मैं रहूं, ऐसा मुझे वरदान दे। भक्त परमात्मा से ये वरदान मांगता है कि मैं सदा तेरी रहमत में रहूं, जो तू मुझे दे मैं उसी को तेरा वरदान मानूं। तेरा जाप सिमरन मैं करूं, सुख शांति का तू दान दे। मेरा ये जीवन तेरी प्रार्थना में ही गुजर जाए। सदा मेरे अंदर तेरा जाप सिमरन चलता रहे।
मैं ऐसे ही तेरी दी हुई शांति सदा पाता रहूं। जो सच में शांति पाना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, सच तो ये है, ये संसार शांति की बातें तो करता है, पर लेना नहीं चाहता। तुम कहोगे, ये कैसे हो सकता है? शांति तो सभी को चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अपना स्वभाव ही ऐसा बना लिया है कि हम अशांति में ही सदा चलते रहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। यदि हम ध्यान से देखेंगे, बहुत से लोग आकर बताते हैं, जीवन में बहुत अशांति है, घर में बहुत कलेश है, फिर अपनी बात बताने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे ये तंग करता है, मुझे ये ऐसा कहता है, कई तरह की बातें जो उनके जीवन में अशांति पैदा करती हैं। जब हम उन्हें ये कहते हैं कि तुम कुछ समय के लिए जो तुम्हें इतनी अशांति है, जो तुम शांति पाना चाहते हो, तो तुम कुछ समय परमात्मा के नाम का सिमरन किया करो, उसके भजन सुना करो। लेकिन हमारी ये बात तो उसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आती। सच तो ये है, ये बात वो सुनना ही नहीं चाहते। हमारी बात को दरकिनार करके वो अपनी ही कहे जाते हैं, दूसरे की तो सुनते ही नहीं, क्योंकि वो शांति का मार्ग खोजना ही नहीं चाहते। वो अपनी इस अशांति को छोड़ना ही नहीं चाहते। यही बात जो उन्हें अशांति देती है, वो वही बार 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 उसी को दोहराते चले जाते हैं। शांति की बात की एक बूंद भी उनके अंदर प्रवेश नहीं करती। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये नहीं जानते कि जो शांति पानी है तो परमात्मा की शरण में चले जाओ, संतों की शरण चले जाओ, जहां शांति ही शांति है। लेकिन हम जाना नहीं चाहते, हमने उसका स्वाद चखा ही नहीं है। इसीलिए इस संसार में, इस समाज में यही कारण है कि इतनी अशांति चारों ओर फैली हुई है। लेकिन भक्त कहता है, तेरी मस्ती प्रेम मुझ में बसे,
तेरे जीवों की सेवा करूं। वो उसके बनाए बंदों की सेवा मांगता है, क्योंकि दूसरों की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में जो शांति मिलेगी वो तुम्हें और कहीं नहीं मिल सकती। यदि सच में परमात्मा का प्रेम पाना चाहते हो तो तुम उसे दीन दुखियों में देख सकते हो। तेरे ध्यान समाधि में छूटे इन प्राणों को अंजाम दे। भक्त तो यहाँ तक कहता है कि सदा तेरे प्रेम और समाधि में ही मेरे इस जीवन का अंत हो। मैं जीवन के अंतिम सांस तक तेरी समाधि में ही लीन रहूं। तेरी ज्योत मुझ में समा जाए, तेरी रहमतों में मैं रहूं। ऐसी इच्छा करके तो देखो, उसकी रजा में रहकर तो देखो। फिर संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारे जीवन की अशांति की जगह शांति ना भर दे। लेकिन करके तो देखो, लेकर तो देखो। वो परमात्मा तो कहता है, मैं तो प्रेम बांटता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। बांटने वाला पुकार कर रहा है, तुम लेने को भी तैयार नहीं। वो बिन दाम बांटता है फिर भी तुम नहीं लेते, तो सोचो फिर क्या शिकायत करते हो, किससे शिकायत करते हो। आज हम भक्ति लहर ग्रंथ में से आचार विचार, विषय है आचार विचार। जो संसार में संत आते हैं ऐसा नहीं है कि वो संसारियों को केवल और केवल भक्ति का ही मार्ग दिखाते हैं। इसके लिए यदि समाज को भक्ति के मार्ग पर भी चलाना है तो उसके लिए भी जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है, एक सुंदर समाज की जरूरत है। देखिए, भक्ति भी हम तभी कर पाते हैं जब हम एक सुंदर सुस्थिर समाज में रहते हैं। यदि समाज में अराजकता फैली है, अस्थिरता है, अशांति अशांति फैली है, तो आप भक्ति भी कैसे कर पाएंगे। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों से एक सुंदर समाज की
जो कल्पना की है उसके लिए कई नियम बनाते हैं, जिसे हम हमारी संस्कृति भी कहते हैं। उसमें ऐसे समाज की नींव रखी जाती है जिसमें हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और अपने अधिकार अलग अलग बताए जाते हैं, जिनकी उन्हें पालना करनी होती है। और हमारी समाज की जो सबसे छोटी इकाई हमारा परिवार है, जो हमारे समाज की नींव है, यदि एक परिवार सुखी होगा तभी वो सुंदर समाज की नींव बन सकता है। तो जो परिवार के सदस्य हैं, एक एक मानव है, उन्हें भी कैसे उन्हें समाज में रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना बैठना है, छोटी सी छोटी बातें भी हर संस्कृति में बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। ऐसे ही नियम, ऐसी ही बातें, सुंदर बातें जो हमारे संत समाज ने हमारे समाज को बताई हैं, आज हम आचार विचार के अंतर्गत वही पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर विषय, मनन करने योग्य विषय, सभी ध्यान से पढ़ेंगे। पृष्ठ नंबर 32, 32 नंबर पेज आचार विचार भक्ति लहर ग्रंथ में से। सबका बड़े शुद्ध आचार्य विचार, यश मान भी हो बहुत ईश्वर से कर प्यार। सुख शांत घर में बसे को आपस में प्यार, सबका आदर समझिए।
जन्म मरण सब एक।
छोटी छोटी सी बातें कोई बहुत बड़ा काम करने को संत नहीं बता रहे यहाँ, केवल छोटी बातों को ही अपने ध्यान में रख के अपने व्यवहार में लाके हम अपने जीवन में अथाह सुख शांति पा सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है। सुख शांति घर में बसे हो आपस में प्यार, सबका आदर मान हो, बड़ों का हो सत्कार। पहले केवल अपने परिवार के अंदर देखिए, क्या परिवार में सुख शांति का वास है? क्या हम सभी परिवार के सदस्य आपस में प्यार करते हैं? क्या हमारे घरों में बड़ों का आदर मान है? जो ये सब हमारे परिवार में है, तो ऐसा जानो उस ईश्वर की हमारे परिवार पर बहुत बड़ी कृपा है। द्वार के अंदर जाते ही शांति को पा जाए, भाव विचार भी शुद्ध हो, विनयादर दिखलाए। जो तुम या तुम्हारे घर में कोई अतिथि भी आता है, जैसे ही हमारे घर के द्वार से अंदर प्रवेश करता है, तो क्या उसे शांति का अनुभव होता है? क्या उसके भाव और विचार शुद्ध बन जाते हैं? और ये तभी तो होंगे जब उस परिवार के अंदर प्रेम और शांति होगी। तुम ऐसा देखो, हम किसी के घर जाते हैं तो घर के सभी सदस्य जो हैं हमारे पास बैठे हैं, लेकिन आप क्या देखते हो? आप तो उनसे मिलने गए, अपना समय व्यतीत करने गए, कुछ भी कारण रहा हो जाने का, लेकिन आप क्या देखते हैं कि वो जो परिवार के सदस्य हैं वो आपस में ही छोटी छोटी बात पर लड़ते जाते हैं, छोटी छोटी बात पर वाद विवाद करी जाते हैं? तो आप कितनी देर बैठ पाएंगे वहां? आपका मन लगेगा वहां? आप सोचोगे कि मैं व्यर्थ में ही यहां आया, आगे से नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की शांति थी वो भी वहां बैठने से खोने लगी। तुम तो
कुछ प्यार की बातें करने गए थे, लेकिन ये तो परिवार के लोग आपस में ही लड़ते जा रहे हैं, तो तुम्हें प्यार कहाँ से देंगे या तुम्हारा प्यार कहाँ से लेंगे। ऐसी वाणी बोलिए जिससे उपजे फूल, तन मन में भरे शांति, क्रोध जाए सब भूल। ऋषि मुनियों ने हमारी वाणी की तुलना, मीठी वाणी की तुलना फूल से की है। ये अलग बात है कि फूल एक स्थूल वस्तु है और वाणी सूक्ष्म है, लेकिन इसकी उपमा फूल से कैसे की गई है, क्योंकि ये वाणी के रूप में हमें ऐसी शक्ति मिली है कि हम अपनी मीठी वाणी से दूसरों के तन मन में प्रेम का, शांति का संचार कर सकते हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं लगता, पर सामने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है। क्या हम अनुभव नहीं कर पाते? कोई तुम्हें कहेगा कि तुमने आज इतना दान कर दिया, हम सोचेंगे हमने तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन लेने वाला कहता है कि मैं तो तुम्हारे यहाँ से अपनी झोली भर के जा रहा हूँ। किस चीज से झोली भर ली तुमने अपनी? मैंने तुम्हारी वाणी से जो मिठास बरस रही थी, जो प्रेम बरस रहा था, मैंने उससे अपनी झोली भर ली। ऐसी है परमात्मा की ये वाणी रूपी शक्ति जो हरेक को मिली है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अपनी वाणी का उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि जितना ये प्रेम दे सकती है, जितना ये शांति दे सकती है, उतना ही अशांति भी देती है, यदि इसका उपयोग हम अपशब्दों के लिए करेंगे। इसका हर मानव को अवश्य ही ध्यान रखना है। छोटा बड़ा जो भी मिले प्यार से उसे बुलाओ, बाहों में भरो प्रेम से, जी के पास बिठाओ। जितनी भी शुभ संस्कृतियां हैं वो कहती हैं, छोटा बड़ा जो भी मिले उसे आदर मान दो, उसे प्यार से बुलाओ। आदर मान केवल बड़ों को ही नहीं देना, ये हमने छोटों को भी बांटना है। यदि आज छोटे को नहीं बांटेंगे, जो आपके घर में छोटा बच्चा है
एक साल का, दो साल का, यदि उसे आदर से, प्यार से आज नहीं बुलाओगे, तो वो कैसे सीखेगा कि मुझे बड़ा होकर ऐसे बोलना है, ऐसे प्यार से बात करनी है? क्योंकि वो वही सीख रहा है जो घर के बड़े कर रहे हैं। आज वो देखता है कि पिता दूसरे को गाली देकर बुलाते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, तो आप ये कैसे मान लोगे कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो तुम्हारे साथ प्यार से बात करेगा? तुमने ही तो उसे गाली देना सिखाया, अब शब्द बोलना सिखाया, क्रोध करना सिखाया, तो कैसे आशा रखोगे उससे? जब वो जवान हो जाएगा, तुम बूढ़े हो जाओगे, तो वो तुम्हारे साथ आदर से बात करेगा? जो आज घर के बड़े बुजुर्ग इस बात की शिकायत करते हैं कि बच्चे आदर नहीं देते, बच्चे बात नहीं सुनते, थोड़ा सा अपने अतीत में चले जाना। जब वो छोटे थे, जब वो तुम्हारी ओर देखते थे, क्या तुम घर में सभी परिवार के सदस्यों से प्यार से बात करते थे? क्या तुम सब छोटे बड़ों को आदर देते थे, या अपने ही अहंकार में डूबे थे? तो आज कैसे आशा करते हो और क्यों दुख मानते हो इस बात का कि आज बच्चे आदर नहीं करते, प्यार से बात नहीं करते? थोड़ा थोड़ा अपने जीवन की इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। जो ये समय बीत गया, फिर हाथ नहीं आएगा। पहले घर के लोगों को प्यार बांटो, वो तुम्हारे प्यार के हकदार हैं, बाहर बाद में जाकर बांटना। ये छोटी सी बात हमें अवश्य ही समझ लेनी चाहिए। जय श्री राम। तेरे प्रेम अमृत का रस पी रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। तेरे प्रेम अमृत का रस पी रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ तेरे प्रेम अमृत का।
Oh.
करम तुम्हें वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। तेरे प्रेम अमृत का रस पी रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। तेरे प्रेम अमृत का रस पी